सोनभद्र में दुसान कंपनी के ऑफिस में पेनाल्टी वसूल करने पहुंचे तहसीलदार के साथ कंपनी के कर्मचारियों ने बदसलूकी की। इसके बाद तहसीलदार ने बकाया वसूल न होने पर कंपनी के ऑफिस को सील कर दिया। तब ऑफिस के कर्मचारियों ने सील तोड़कर ऑफिस खोल दिया। वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि अगर इस तरह की शिकायत आती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, दुसान कंपनी के खिलाफ 7,17,00,000 का लगभग आरसी कटी हुई है अवैध खनन के ऊपर जो बकाया है उसकी वसूली के लिए एसडीएम महोदय ने कुड़की का आदेश जारी किया था। उस आदेश के क्रम में यहां से अधिकारी गए थे, नायब तहसीलदार और अमीन लोग, और वहां पे गए। जब उन्होंने उस कमरे में उनके ऑफिस को सील किया तो सील करने के बाद वहां पे ओबरा के सीजीएम पहुंचे और सीजीएम के ललकारने के बाद वहां पे जो अमीन और नायब तहसीलदार गए थे, बल्कि दो दरोगा लोग भी गए थे। जो जीडी में दर्ज होगा, रवानगी जब होती है किसी चीज के लिए तो वो जीडी में दर्ज की जाती है। बंधक वहां बना लिया गया, गेट को बंद कर दिया गया और बंधक बनाया गया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही कि जब मामला थाने पहुंचा, थाने में तहरीर भी दी गई, लोग अस्वीकार कर रहे हैं कि तहरीर नहीं दी गई। बड़ा मामला यह है कि आखिर किस कारण से कार्रवाई रुकी। पहले मिट्टी के कारण रॉयल्टी लगती थी, उसी में लगभग 7,00,00,000 के आसपास की आरसी निकली हुई है, उसी को वसूली करने के लिए प्रशासन के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। परंतु उनके द्वारा ये बताया गया कि उन्होंने कमिश्नर महोदय के यहाँ पर भी अपील कर रखी है, कलेक्टर महोदय के डिसीजन के अगेंस्ट। सो उन्होंने टाइम मांगा है 10 दिन का 12 दिन का, तो उस क्रम में उनको मोहलत दी गई है। परंतु निश्चित रूप से उन पर दबाव बनाया जाएगा और जो वसूली है उनसे जो राजस्व की, वो नियम के अनुसार करी जाएगी। नायब तहसीलदार द्वारा ऐसी कोई शिकायत मेरे समक्ष नहीं करी गई है, पर अगर निश्चित रूप से सब प्रकाश पाएगा तो उसके जो भी नियम के अनुसार है वो हम लोग एक्शन करेंगे।